नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत वेलकम है। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पीटीटी के बारे में, राजस्थान पीटेट के बारे में। काफी इंक्वायरीज आ रही थी, सर राजस्थान पीटीटी के बारे में हमें एक वीडियो दीजिएगा जिसमें ऐसी डिटेल हो जिसे हम आसानी से समझ सके कि ये पीटीटी आखिर होती क्या है, पीटीटी कौन कौन सर कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें अदर जो भी डिटेल हो सर हमें अपनी भाषा में समझाइए ताकि हम आसानी से समझ सके। तो दोस्तों आज आपके सारे डाउट जो है क्लियर होने वाले, बस आपको इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना होगा और कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना होगा। और अगर आप देखिए पीटीटी के बारे में ध्यान रखते हैं, आपको ज्ञान होगा, फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि भी पीटीटी है क्या। पीटीटी है दोस्तों, देखिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, क्या है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट है पीटीटी दोस्तों, ध्यान रखना। और इसमें जो है लक्ष्य, जिनका भी लक्ष्य हो कि भाई मुझे टीचर बनना है, ठीक है, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं कि जिनका लक्ष्य हो टीचर बनना वही करेंगे अप्लाई। देखिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट मतलब कि आपको टीचर की ट्रेनिंग है ना, टीचर की ट्रेनिंग करने के लिए उससे पहले ये प्री टेस्ट करवाया जाता है कि भाई आप एलिजिबल वाकई में है कि नहीं है, है ना, आप वो योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो जी हाँ बिल्कुल आप योग्यता रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दो वर्ष की बीएड करने के लिए जो टेस्ट दिलवाया जाता है वो भी पीटेट ही बोलते हैं, उसको भी पीटीटी बोल सकते हो या फिर पीटेट भी बोल सकते हो, ठीक है। दो वर्ष की बीएड के लिए दोस्तों आपको, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी जरूरी है, ग्रेजुएशन पास आउट होना जरूरी है। सर एक सवाल ये है आपके आपसे हमारा कि हम अभी भी मतलब वेटिंग में है, हमारा रिजल्ट नहीं आया सर, सर हमारा एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक, कैसे होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप फाइनल ईयर में, मान लो कि सेकेंड ईयर के आपके एग्जाम हो गए हैं, कभी के रिजल्ट आ गया है, आपने फाइनल ईयर का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, फाइनल का अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो दो महीने के बाद इसके एग्जाम भी मान लो कि हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो आप अगर अपीयर है ना, ग्रेजुएशन आपकी चल रही है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जब रिजल्ट आएगा ना, उसका उस रिजल्ट में आपके अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो आपका 50% होना बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। अगर 50% नहीं है ना, तो आप अगर पीटीटी पास भी कर लेते हैं, आपका नंबर भी आ जाता है, तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आपके पास 50% नहीं है। और ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। और मेरी मानो अगर आपके परसेंटेज कम बन रहे हैं ना, मान लो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कम बने, तो आप इस बार थोड़ा सा और बढ़िया से जोर लगाओ, बढ़िया जो है अपना परसेंटेज को इंक्रीज करिए, ठीक है। और एनी कैटेगरी जो है उनके लिए 5% की छूट है, छूट है, जैसे 45% ही आपके लिए। एनी कैटेगरीज वो सभी जो एससी एसटी होते हैं, जो दिव्यांग कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, उन सभी के लिए 45% रखा गया है, ठीक है, ओके, ये आपके समझ में आ गया। अब इसका अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई इसमें जो है ना अपना सिलेबस क्या रहेगा, है ना। देखिए दोस्तों 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल, कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए इसमें, 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और सिलेबस जो रहेगा आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में देखिए कुछ क्वेश्चन आपके विज्ञान के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन इंडिया जीके के रहने वाले, ठीक है, और कुछ एक ज्यादा क्वेश्चन जो रहेंगे वो राजस्थान जीके के रहेंगे, ध्यान रहे। मानसिक योग्यता और नॉर्मल मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ये 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपके 50 ही रहेंगे, और हिंदी के भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखो आपके ऊपर है कि आप हिंदी करते हैं या फिर जो है आप इंग्लिश करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से में मतलब योग्यता रखते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप करेंगे इसमें से, ठीक है। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, आपकी इंग्लिश आपकी जबरदस्त है तो आप इंग्लिश में बहुत बढ़िया अंक गेन कर सकते हैं, और अगर आपकी जबरदस्त हिंदी है तो जबरदस्त हिंदी को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों वैसे ये कोई इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता, लेकिन जरूर कहूंगा कि 4 ईयर जो है ना, 4 ईयर वालों का जो पेपर आता है उससे तो 2 ईयर वालों का पेपर कठिन आएगा, ये जरूर मैंने देखा है, और जितना कहूं तो अनुभव भी लिया है। देखिए 4 ईयर की तुलना में थोड़ा कठिन पेपर रहेगा ये, ठीक है। चलिए तो ये तो अपना था, अच्छा हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, इसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो आपकी तैयारी भी मैं ही करवाऊंगा, आप बिना फिक्र पढ़िएगा और बुक भी परचेज करिएगा। अगर आप राजस्थान क्लासेस पर पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि 13 मार्च के बाद, 13 मार्च 2022 से 2022 से
अपनी कंटिन्यू हो जाएगी क्लास, कंटिन्यू क्लास हो जाएगी, वैसे आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी भी 9 बजे रात को, डेली 9 बजे रात को राजस्थान जीके की क्लास होती है, वो भी बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से चल रही है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। संपूर्ण कोर्स के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ से लेना है आपको। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं इसकी 4 ईयर बीएड की। देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन आपकी चल रही है तो आप वही करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। लेकिन आप अभी तक 12वीं में हैं, अगर आपने 12वीं पास करी है ना, अभी आपने 12वीं पास करी है या फिर आप 12वीं में अपीयर हैं, ठीक है, क्या है अपीयर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये होती है 4 ईयर की इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 वर्ष का। जैसे आप बीए करने के बाद, बीए में कितने 3 वर्ष लगते हैं, और फिर आप अगर बीएड करते हैं तो कितना टाइम लगता है 2 वर्ष, कुल कितने हो गए 5 वर्ष लगते हैं। अगर आप इस इंटीग्रेटेड कोर्स को करते हैं तो आपको मात्र 4 वर्ष ही लगेंगे, ये आपके लिए 1 वर्ष का फायदा हो जाता है यहाँ पे। और बीए बीएड भी कर सकते हैं और बीएससी बीएड भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 जो है आपके लिए मोड ओपन है, आप कोई भी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 12वीं जो अपीयर है, जो अभी एग्जाम देने वाले, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका जब रिजल्ट आएगा, जनरल ओबीसी वालों के लिए 50% जरूरी है, अगर आप 12वीं में काबिलियत रखते हैं कि 50% मिनिमम मेरे बन ही जाएंगे, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर ही सकते हो, और इससे कम नहीं बढ़ना चाहिए आपके परसेंट, ये ध्यान रहे, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप सभी बेस्ट परसेंटेज बढ़ेंगे, एग्जाम आपका नजदीक है। अच्छा, अदर कैटेगरीज के लिए 45% ये भी सेम ही है, जैसे एससी एसटी ओबीसी, सॉरी ओबीसी नहीं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और दिव्यांग कैटेगरी के लिए 45% है। और 12वीं पास, अगर 12वीं पास भी नहीं है, आप अगर अपीयर हैं, कोई कोई कमेंट करते हैं सर 11वीं पास कर सकते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एग्जाम ही देना चाहते हो कि भाई मुझे तो पीटीटी का ऐसे ही एग्जाम देना है, तो भी एग्जाम आप दे सकते हैं बिल्कुल, 11वीं पास है तो भी आप उसमें अपीयर कर सकते हैं 12वीं, और एग्जाम जरूर दे सकते हैं, आप अपना जो है आकलन कर सकते हैं कि भाई पेपर कैसा आता है, अप्लाई कर सकते हैं जो भी, ठीक है, मैंने जो बता दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है ना सिलेबस, वही सिलेबस है मैंने जो 2 ईयर वालों का बताया, सामान्य ज्ञान के 25 और 15 कितने हो जाए 40, और 7 मैं बता देता हूँ और 3 बता देता हूँ। ये क्या रेशियो है, देखो ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे 25 लगभग, 15 क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे आपके इंडिया जीके के, 7 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे करंट अफेयर के, वो भी इंडिया जीके से संबंधित आएंगे, और 3-4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, या 5 क्वेश्चन तक आप कह सकते हैं उसके साइंस के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मानसिक योग्यता के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान के कम्प्लीट 50 आएंगे, और हिंदी या इंग्लिश इनमें से आपको, ये चूजिंग सब्जेक्ट है, आप जो भी आप लेना चाहो हिंदी इंग्लिश में से कोई भी, तो इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन ही आएंगे, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 2 ईयर की तुलना में ये पेपर आसान होगा, क्योंकि ये लेवल जो है ना, ये 12th लेवल का पेपर होगा, और 12th लेवल में आप जान सकते हैं कि कितना हार्ड होगा, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा पेपर। आपको मैं बता देता हूँ अनुमानित बता देता हूँ, अगर आप 12वीं कर रहे हैं और सीधा आप करते हैं तो ये है ना ज्यादा नहीं है, मतलब आप 2 महीने की तैयारी है, आप अभी से करिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, जीके को अभी से पढ़ना शुरू करिए, अपनी रात को 9 बजे जो क्लास होती है उसको भी पढ़िए, ठीक है। तो अभी से तैयारी करेंगे ना तो 2 महीने का ये कंप्लीट कोर्स है पीटीटी का आपका, और आप इसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसमें आपको लगभग, आप मान के चलो कि 340 से लेकर 360 मिनिमम, 340 तो आपको मिनिमम बनाने ही होंगे, तब आपको कहीं ना कहीं राजस्थान में कॉलेज मिलेगी, और अगर आप 400 से अबव बनाते हैं नंबर तो आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी, 380 में भी मिल जाती है मनपसंद, तो वैसे कैटेगरी पे डिपेंड करता है आपकी कौन सी कैटेगरी रहती है, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या क्या रह सकती है कट ऑफ, ठीक है। अब देखिए ये सारी बातें जो आपके दिमाग में आती रहती है कि सर तैयारी कैसे करें, ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए कि भाई तैयारी कैसे करें, एक कोचिंग लेवे या नहीं, ऑफलाइन कोचिंग लेवे या नहीं, इसमें कितना क्या कंपटीशन रहेगा, मतलब अपन ने अभी बात करी कि भाई इसकी कट ऑफ वगैरह जो है वो जाती है वो कैसी कितनी क्या रहती है ना, ऑनलाइन कोर्स किस कोचिंग का लेवे या नहीं लेवे,
ले या नहीं ले, ये भी सवाल है आपके लिए, तो मैं इसकी भी वीडियो आपके लिए बताऊंगा। इन सभी बातों का उत्तर जानना है तो आप राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इन सारी बातों का मैं आपके लिए जिक्र करने वाला हूँ, प्रत्येक के लिए एक अलग अलग वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। अगर आप अगर नए हैं, पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर, तो हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। दोस्तों संपूर्ण कोर्स की बात कर लेते हैं। अब टॉपिक वाइज पढ़ना होगा और भी आसान। संपूर्ण कोर्स पीटीईटी का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बिल्कुल जीरो रुपए में। कोई भी एक भी रुपया आपके लिए नहीं लगने वाला। राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल निःशुल्क। पिछली बार मैंने जो जो क्वेश्चन दिए थे ना जीके के और टीचिंग एप्टीट्यूड के, भाई साहब यकीन नहीं मानेंगे, लाजवाब पेपर हुआ था जो भी भाई ने मेरे साथ जुड़े हुए थे। और उससे पिछली बार देखो 2020 का अपना रिजल्ट बहुत ही टॉप रहा था ऑल राजस्थान में। 2021 में मैं बिजी था वन रक्षक वनपाल की तैयारी करवाने में थोड़ा सा, फिर भी काफी मैंने तैयारी करवाई थी और काफी अच्छा रहा था रिजल्ट। और इस बार भी आपको बेहतरीन करवाना है। अगर आप पीटीटी की तैयारी करें या फिर किसी की भी करें तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ये राजस्थान क्लासेस की जो वेबसाइट है ना उस पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और इस कोर्स का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। आप जरूर उस नोट्स को पढ़ेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। ये सारी बातें और एक बात और यहाँ पे लिखना भूल गया आपके लिए कि भाई बुक जो लेंगे ना वो कौन सी बुक लेंगे, आप कौन सी बुक से तैयारी करें ताकि हम फर्स्ट बार में ही पीटीटी को क्रैक कर जाए, तो जरूर जो है इसका जवाब भी मैं जरूर दूंगा एक वीडियो बना के। तो चलिए दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।